इसमें नमक डाले हैं इस कुट्टी वालों के पास। दुकान का सीन आपको नहीं दिखाया था के पार्टों के से चावल दाल जो है और इसका होना है डाउन के निकलेगा दाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 9 अप्रैल और मैं भी हूँ कुट्टी वालों के पास। चोकोबार और निकालिएगा, यहाँ चोकोबार लेते हैं। तो अपने साथ जुड़िए और देखते रहिए मेरा व्लॉग। ये पूरा व्हाट है व्लॉग्स। ये बर्फ वाले भैया हैं, कुल्फी बेचते हैं। और ये बर्फ ठंडा कैसे रहता है ये देखिए। इसको पहले खोलिएगा, तो इसको खोलिए पहले। ये देखिए बर्फ है, इसमें कोई बर्फ वगैरह नहीं रखा हुआ है, वैसे ऐसे प्लेन रखा हुआ है, फिर भी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है ये दिखाइए भैया। चारों साइड से बर्फ खुली ना, पूरा खुली है। ऐसे उठाइए ना, उठेगा ना, इसे उठाइए। हाँ बताइए। अब चारों साइड से बर्फ डाला है, इसमें नमक डाले हैं। इसमें नमक नमक क्यों डालते हैं? नमक डालने के बाद ये टेम्परेचर बनता है, मतलब नमक डालने के बाद ठंडा बनता है। इस तरह से जो है बर्फ ठंडा रहता है। हेलो गाइस, से भी बोलना है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने जो है मकान का सीन आपको नहीं दिखाया था, लेकिन से मकान जो कंप्लीट हो चुका है, बाकी का आधा जो मकान है वो अभी बन रहा है। ये यहाँ इस तरह से डिजाइन काटा गया है और यहाँ पर इसको देखिए, फर्स्ट क्लास धुआंधारी चल रहा है यहाँ पे। कि चिमनी पाके छिट्टा है चिमनी में, हैं चिमनी में ईटा पैकेज है दोस्तों। ये है चिमनी ये, और यहाँ पर ये जो है ना मशीन, इसके अंदर ये दिखे लगे तो ये देखिए, ठीक है। धुआं निकालिए, ये चिमनी से धुआं निकल गया। और ये पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है कंप्लीट चलेगा अभी। ये देख सकते हैं डिजाइन वगैरह, खिड़की वगैरह जो इस तरह से जो है काटा गया है। आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से दोस्तों, इस तरह से जो है खिड़की का डिजाइन काटा गया है। इधर से सड़क के फ्रंट से ये देख सकते हैं, ये सड़क होगी आपको, यहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई है। ये खिड़की, अब इधर से दिखाते हैं तो खिड़की का डिज़ाइन जो है तैयार किया जा रहा है। और एक खिड़की का डिज़ाइन जो है इधर से शुरू किया गया है। ये देख, ईटा के पार्टों के से कट करके जो है सेट किया गया है। बाकी काम जो है प्लास्टर के समय इसको बराबर किया जाएगा। इसका सामान है और यहाँ पर ये चोखा बन के तैयार हो चुका है। ये चोखा हो गया, ये दाल और इधर चावल। तो 4 बजे नाश्ता और फिर रात में भी यही चावल दाल जो है सब दिन के खाना है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 8, दोस्तों रात के बज रहे हैं 9, और ये है गेहूं। और इसका होना है दौनी इस मशीन में। हाँ बोलो, बोलने जा। केना डरे छे? केना दे मन दू मन के कट्ठा कमे ने डरना भले की कम से कम बालू पर के जो करके लिए डेढ़ मन के दू मन के कट्ठा बालू पर करके लिए तो दोनों का बेसी है। दोनों का बटियार के तो बेसी है नहीं। दोस्तों किसान का जो है गेहूं है और इसको देखिए अभी 9 बज रहा है और कब वर्षा हो जाएगा कब आंधी आ जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता। समय रहते दौनी वगैरह करना होता है। ये मशीन है, इसमें गेहूं दौनी होना है। और ये जो गेहूं है ये है इनका गुलशन जी का, ये है गुलशन जी। और दौनी होगा तो थोड़ा सा सीन इसका शूट करेंगे अभी। मेरे पीछे गेहूँ देख रहे हैं, इसका दौनी होना है और इसका वीडियो शूट करेंगे। अभी रात के 9 बज रहा है और 9 बजे रात में जो है किसान लोग जो है दौनी वगैरह करने हैं। दौनी का मतलब हो गया कि गेहूं से दाना निकालना। ये जो गेहूं देख रहे हैं इसे जो दाना निकलेगा उसी को हम लोग दौनी बोलते हैं। दोस्तों गाड़ी लग चुकी है और ये देखिए गाड़ी यहाँ पर लग चुका है। इस होकर निकलेगा दाना और इस होकर के जो है इसमें जाएगा ये धान अति गेहूँ, और उस साइड से जो है भूसा निकलेगा। चलते हैं इधर देखिए। कोई पैसा नहीं लगे लिए इस होके निकलेगा भूसा। ये भूसा निकलेगा इस होके, ये देखिए।